हाँ इसी का वो एक स्ट्रेस वाली लाइन पे वो एक तरह का चेंज ओवर देना स्ट्रेस तो है ना, तो उसके बाद वो कवर अप करेंगे कि क्योंकि डॉक्टर ये थी छुट्टी नहीं है, तो वो एक हल्का सा जहाँ से स्ट्रेस वाला पॉइंट आना कि है तो फैमिली से अलग पड़े हो, यहाँ पे बच्ची को छुपाया हुआ है, रोलिंग मैं क्यों देता हूँ एक्शन, वो तो सब तो ठीक है पर आपको कोई स्ट्रेस भी है क्या चार्ज एंड आपने थोड़ा बोल के निकल गए बेटा अपने मम्मी का ख्याल रखना, वो चले गए बाहर, गले लगे हुए अच्छे से बेटा प्यार से किस कर लेना, अभी भी बोलना मैं आपके लिए पानी लाती हूँ ठीक है, और निकल जाना इधर, टू शॉट रखो थोड़ा वाइडर समझे, और फिर मैं उठवा क्यों दूंगा, रोलिंग रोलिंग, गले लगे हुए बेटा ऐश मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, बाहर से आया शगुन तुम यहाँ क्या कर रही हो, नहीं मुझे वो कुछ पेपर्स लेने हैं, सोचा आपने निकल लिए बस ओके, स्वागत है मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू, इशिता को किस तरह से आप हेल्प कर रही हैं, बहुत टाइम से एक्चुअली मीका इशिता को हेल्प नहीं कर पा रही थी, हमारे बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूरी हो गई थी, पर यहाँ मुझे मुझसे टकरा जाती है इशिता, तो वो चाहे या ना चाहे मैं उसकी उनकी मदद करूँगी, उन्हें एक्चुअली पनाह चाहिए कुछ घंटों के लिए, वो बोलेगी नहीं क्योंकि वो मुझसे नाराज़ है, बट मैं उन्हें अपने घर में पनाह दूँगी क्योंकि अशोक दिल्ली में नहीं है, वो बाहर गया हुआ है, तो वो मेरे घर पर कुछ टाइम के लिए रहेगी, शगुन के आने तक वो रहेगी, ये इंजरी एक्चुअली एक डांस शो के रिहर्सल के दौरान हुई, पोअर थिंग वो बहुत ज़ोर से उसको लगे, वो लिंप करके चल रही है, बट वो फाइटर है, शी इज़ फाइटिंग, शूट भी किया, कहीं काम से जाना है वो भी करेगी, कल सुबह भी आएगी, वो सब कर लेगी, तो क्या ये सीन में ऐसा था या एक्चुअली ये सीन में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है सो दैट लॉजिकली एक्सप्लेन हो पाए, क्योंकि दिव्यांका इज़ लिंपिंग, तो क्यों लिंप कर रही है वो स्टोरी में इनकॉर्पोरेट किया है कि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, आ रही हूँ तो रियल को रील में मर्ज कर दिया, ये कहना चाहूँगी दिव्यांका गेट वेल सून एंड थैंक यू,
वेल सीक्वेंस ये है कि रूही और इशिता गायब हैं. मुझे रूही का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसे ढूंढते ढूंढते मैं अशोक के घर पहुंच जाती हूँ. और जिस तरीके से मीका बिहेव कर रही है, मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है. एंड सीन के अंत में मुझे रूही के शूज़ दिख जाते हैं, तो जिसके वजह से जो मुझे शक होता है, जो मुझे फीलिंग होती है कि कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ, वो सही हो जाती है कि इसी ने इशिता और रूही को छुपाया है. और बस मैं यही फिर इशिता और रूही को ढूंढ रही हूँ, और उससे मैं धमकी दे के जाती हूँ दैट यू नो व्हाट, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अब इशिता ने ये गलती की, उसकी सज़ा उससे मिल कर रही. कल आप वेल मुझे लगता है कि एकता को ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बट अगेन इट्स नेवर टू लेट. उन्होंने इतने सक्सेसफुल शो, इतने सक्सेसफुल कैरेक्टर्स को का यू नो जन्म किया है, उनके लुक्स को क्रिएट किया है, तो डेफिनेटली इट्स गोना बी अ सुपर हिट. और जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है, कोई हर कोई घर बैठे वो ऑर्डर कर सकता है, सेम साड़ी पहन सकता है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, एंड इट्स लाइक अ विन विन फॉर एकता ऑल्सो एंड द व्यूअर्स ऑल्सो, क्योंकि उन्हें भी वही साड़ी पहनने मिलेगी जो वो स्क्रीन पर देखेंगे. इसके अलावा क्या टर्न वेल ये है मोहब्बत एक ऐसा शो है जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं, तो आगे क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता. वो तो क्रिएटिव वालों को ही, मुझे नहीं लगता, डाउट है. अगर मैं पॉजिटिव हो जाऊँगी तो उन्हें तंग कौन करेगा. Thank you. I like it. Great. Thank you.